हेलो एवरी वन दिस इज रोहन नाथ और वेलकम बैक टू दैनल एज आई प्रोमिस यू येस्टर्डे कि कल हम लोग जो सोशोलॉजी की पहली क्लास होगी उसका रिव्यू करेंगे तो बेसिकली आई वॉज गोइंग टू रिव्यू क्लास ऑफ सोशोलॉजी ऑप्शनल बट बिकॉज आज पहली क्लास थी तो ऐसा ऑनिस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ खास था नहीं कि आई हैव टू रिव्यू अबाउट इट बट बट वट एवर वी लर्न टूडे आई विल टेल यू इन ब्रीफ तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा सर ने एक्चुअली एक तो सोशियोलॉजी का ब्रीफ रिव्यू दिया कि वट इज सोशियोलॉजी एंड वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट सब्जेक्ट इट सेल्फ तो आ, बाकी सर ने सिलेबस को अच्छे से आज एक्सप्लेन किया कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो दो पेपर हैं उनका क्या क्या किस किस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी उनको समझने के लिए एंड जो पेपर वन वन है उसमें सर ने बताया कि हम लोगों को फंडामेंटल्स अपने स्ट्रोंग uh, करने होते हैं सोशोलॉजी के एंड इफ वी आर एबल टू डू दैट अगर हम लोग अपने पेपर वन के फंडामेंटल्स अगर हम लोग स्ट्रोंग कर लेते हैं तो पेपर टू हम लोगों के लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा तो यही बातें आज हुई थी पेपर वन का सिलेबस पेपर टू का सिलेबस काफी अच्छे से डीप डिक करके हम लोगों ने वो सिलेबस को समझने की कोशिश करी थी कुछ नामों uh, कुछ नेम्स हम लोग फेमिलियर हो गए थे आज कुछ थिंकर्स के नेम तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें देखने में टेक्निकल लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आज फेमिलियर हुए है ना सिलेबस को मुझे ये लगा कि सिलेबस सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सर ने कुछ बुक्स भी बताई बिकॉज हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं कि कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी है सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए तो बेसिकली सर का ये कहना था कि इफ़ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि हम कोई बुक वगैरह पढ़ लें और तब तो आप लोग उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं सर ने कुछ बुक्स बताई इफ़ यू वॉन्ट मी तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन uh, में लिख दूंगा uh, कि ये ये बुक्स सर ने बताई हैं बट आई थिंक अगर आप लोग ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करने जा रहे हैं है ना तो आपको वो सब बुक्स प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा सर का भी कहना था कि आप लोग uh, जो क्लास नोट्स हैं उनको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं है ना क्लास नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी जो आपको पी एंड मटीरियल प्रोवाइड होगी आप लोग उनको प्रेफर कर सकते हैं तो uh, ये इतना ही अगर आप लोग कर लेते हैं तो उतना इनफ है आपका ऑप्शनल उसमें कवर हो जाएगा क्योंकि सर ने काफ़ी डीप सर उन चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं

Uh, अभी तो यही ऐसा सर का कहना था कि बाद में हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिलेगा तो फिलहाल के लिए साढ़े तीन से साढ़े पाँच आपकी सोशोलॉजी ऑप्शनल की क्लास होगी बाकी ऑप्शनल्स का मेरे को अभी पक्का पता है नहीं uh, कि उनकी क्लासेस किस टाइम पर हुई है तो बेसिकली सोशियोलॉजी ऑप्शनल का टाइमिंग uh, वगैरह मैंने आपको बता दिया बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर तो वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं वो सॉल्व हो जाएंगी फर्स्ट क्लास का रिव्यू यही था फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ही था लेकिन मैं दो तीन दिन बाद कोशिश करूंगा कि जो बाकी जो इंपॉर्टेंट क्लासेस सर की होंगी उनका एक बार रिव्यू दे दूं कि सर के किस टाइप के नोट्स हैं नोट्स का अगर हो सका तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि इस तरह के नोट्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं और क्लास का बाकी हम आंसर राइटिंग का क्या सीन है आंसर राइटिंग हो रही है या नहीं हो रही है क्या टेस्ट टेस्ट वगैरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्या हम अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं किस तरह से वेलुएट होगा तो ये सारी जो क्वेरीज हैं आप लोगों की ये तभी सॉल्व हो जाएंगी जब कुछ दिन हो जाएंगे बैच को चलते हुए कुछ दिन क्लासेज हो जाएंगी तो ये सारी क्वेरीज आपकी तभी सॉल्व हो पाएंगी इसके अलावा सर का ये कहना था कि पहले तीन दिन यानी कि जो नेक्स्ट मंडे आएगा उससे पहले उससे पहले हम लोग इस वीक में वही चीजें पढ़ने वाले हैं जो बेसिक्स हमें बिल्ड करना है ताकि हम सोशोलॉजी को अच्छे से समझ पाए अगर मैं मैं इस चीज़ से इतना समझ पाया हूं कि शायद उससे उसमें सर लोग एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करवाएंगे जिससे हम लोग आगे की चीजें समझ पाए तो आगे की तीन चार क्लास जो होंगी वो बेसिक्स क्लास होंगी फाउंडेशन बिल्ड करने वाली क्लासेज होंगी उसके बाद नेक्स्ट मंडे से हम लोग सिलेबस को पिक करेंगे तो अगर आप लोग थोड़ा वेट करना चाहते हैं कि रिव्यू आ जाए उसके बाद बैच लेंगे तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं दो तीन क्लासेस आपकी छूट जाएंगी वो बाद में कवर करना एक बार रिव्यू देख लेना और अगर आप चाहते हैं कि क्लास ले लेते हैं उसके बाद बाकी चीजें हो ही जाएंगी तो आप लोग क्लास को ले भी सकते हैं अभी तक क्लास देखने के हिसाब से यही लगता है कि क्लास शायद अच्छी चलने वाली है और आई थिंक कि इस बैच को लेना वर्थ इट है बाकी आपके ऊपर है आप एक बार क्लास ले देख लीजिए या फिर रिव्यू पहले देख लीजिए उसके बाद आप क्लास ले लीजिएगा तो जो क्लासेज uh, होंगी तीन चार दिन क्लासेज होंगी uh, उनका रिव्यू मैं बाद में ही करूंगा uh, एक बार दो तीन क्लास हो जाए उसके बाद ही रिव्यू करूंगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक विद दैट वीडियो है ना जो ओरिजिनल रिव्यू जो आएगा वो तीन चार क्लास के बाद ही आएगा थैंक यू सो मच कीप विजिटिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको uh, आगे जल्दी से अपडेट मिल जाए थैंक यू सो मच